Hey there and once again welcome to WS Cube Tech, myself Bhagirath Giri और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम 404 पेज के बारे में। So guys 404 पेज क्या होता है, जब भी आप किसी राउट को हिट करते हैं और वो राउट एग्जिस्ट नहीं करती या उस राउट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे सर्वर के पास नहीं है या हमारे क्लाइंट के पास नहीं है, तो उस केस में हम एक पेज दिखाते हैं जो कि होता है 404, दैट इज रिसोर्स नॉट फाउंड। तो वो पेज ऑलरेडी नेक्स्ट जेएस में एग्जिस्ट करता है, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉग और कोर्स बना रखा है बट मैंने गैलरी नहीं बना रखा, तो जैसे मैं हिट करूंगा तो हमारे पास में क्या होगा, एक 404 ओके गैलरी भी मेरे पास है, तो एक टेस्ट करके मैं बनाता हूँ। तो मैंने टेस्ट करके कोई पेज नहीं बना रखा है या टेस्ट करके कोई राउट मेरा नहीं है, तो उस केस में क्या आता है, 404 आता है, यानी दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। बट ये जो पेज आप देख रहे हो ये नेक्स्ट का इंटरनल अपना बनाया हुआ पेज है। इन केस आपको अपना कोई पेज चाहिए, जैसे हम लोग tutorialfreak.com पर जाते हैं और यहाँ पर मैं स्लैश में टेस्टिंग डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो ये जो मेरा एक पेज दिख रहा है इट इज अ कस्टम 404 पेज। ओके, तो अब इसको रीच करने के लिए बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, पेजेस की रूट डायरेक्टरी में आपको एक न्यू फाइल बनानी है जिसका नाम होगा 404.jsx, ठीक है, इट कुड बी js और jsx, एनीथिंग यू वांट, और ये एक फंक्शनल कंपोनेंट होगा और इसको नाम रख देते हैं नॉट फाउंड, ठीक है, और हम यहाँ पर लिख देंगे द पेज यू आर लुकिंग इज नॉट एग्जिस्टिंग, द पेज यू आर लुकिंग डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपली लिख दिया द पेज यू आर लुकिंग डज नॉट एग्जिस्ट, और अब क्या होगा, अब जब आप यहाँ पर रिफ्रेश करोगे तो देखिए जो एरर आ रही है वो ये है जो मैंने डाली थी, ये हमने कॉमन डाल रखा है तो इस वजह से आपको सभी जगह पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हो ये नेविगेटर मैंने कॉमन बना रखा है इसलिए मुझे सब जगह पर दिख रहा है, ये हमेशा होता ही है। आप देख सकते हो ये हमारा 404 पेज है और इसमें भी हमें ऊपर का जो नेविगेशन बार है वो तो कॉमन दिख ही रहा है। 404 पेज हम दूसरा लेके आ गए, जैसे मैं फिर से स्लैश टेस्टिंग डालता हूँ तो फिर से क्या होगा, मेरा 404 पेज खुल जाएगा। तो ये आपने यहाँ पर मैन्युअली मैनेज कर लिया और इस तरीके से आप 404 पेज के अलावा जितने भी पेजेस हैं वो सारे पेजेस जो जो आपको जरूरत पड़ेगी वो आप बना सकते हो और कस्टम असाइन कर सकते हो। जैसे अब मैंने ये 404 पेज चलाया और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, देखिए पेज यू आर लुकिंग डज नॉट एग्जिस्ट, आप यहाँ से कहीं भी चले जा सकते हैं और अगर आप यहाँ कोई गलत URL डालते हैं तो ये आपका नॉट एग्जिस्ट वाला पेज खुल जाएगा। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।